सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो मेन रीज़न होती है दूसरी शादी की, वो मर्दों की तरफ से लव मैरिज का ही मोस्टली जो है वो सिचुएशन होती है कि जहाँ पे वो लव का कोई सीन होता है तो वो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सिनेरियोज होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव मैरिज का ही चक्कर होगा तो वो दूसरी शादी की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। इसके अलावा जो रीज़न्स हैं उसमें वन ऑफ द रीज़न औलाद की ख्वाहिश भी हो सकती है। कुछ लोग की जो है वो बेटों की ख्वाहिश भी होती है, पहली बीवी से जो है वो या तो सिर्फ बेटियां हो तो वो ख्वाहिश करते हैं कि बेटे की ख्वाहिश। और ये मोस्टली बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे बेटे की ख्वाहिश की वजह से दूसरी शादी की जाती है। लेकिन मेजरली जो है वो आजकल जो देखने में आ रहा है तो उसमें ये है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ रिलेशनशिप विद योर फर्स्ट वाइफ, आप एक मैरिटल स्टेटस में होते हैं तो वो उससे बच्चे करके और उसके बाद वो बोर हो जाते हैं और फिर जो है आपने वो जो बात किसी की लव के चक्कर में पड़ के जो है वो इस पे डिस्कशन अभी दूसरी होना शादी कर जरूरी है, लेते लेकिन हैं। तो मेजरली जो है वो रीजंस, जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि मेजरली जो केसेस हैं वो नॉर्मली उसी वजह से आते हैं कि जहाँ पे कोई कोई लव सीन होता है शादी के कुछ अरसे बाद जो है वो हस्बैंड बोर हो जाते हैं या उनकी कोई ख्वाहिशात जन्म ले लेती हैं, बेटे की ख्वाहिश हो सकती है या पहली बीवी से औलाद ना होना भी कोई रीज़न हो सकती है। ये समटाइम ऐसा भी होता है कि उनकी पहली बीवी जो होती हैं वो बीमार हो सकती हैं या कोई और भी रीज़न हो सकती है। तो देर इज़ नॉट अ वन रीज़न, कोई एक रीज़न हम डिसाइड नहीं कर सकते, काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकती हैं। लेकिन आजकल जो मेजरली वो यही है कि लव मैरिजेस जो है वो ज़्यादा इन ट्रेंड है, कह सकते हैं आप।